अस्सलामुअलैकुम जी, की हाल ने सारे भैन भाइयों का। अल्लाह शुक्र असी बिल्कुल ठीक ठाक है। अज का व्लॉग जी करने स्टार्ट, और व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी छोटी जी प्यार भरी मोहतबाना गुजारिश, प्लीज़ मेरे चैनल जरूर सबसक्राइब करो और बैल आइकन प्रेस करके आल तक करो, ताकि आने वाली हर वीडियो थोड़े तक बाद से पहुँच सके। अम्मी ने आख्या जी टंकी साफ करके ना दोबारा इन पानी भरो, क्योंकि कह रहा कि बो आँदी। अच्छा, इन क्यों बो आँदी होना है बेचो ओल। ऐ चेक करो जी, इन तो कौआ मरिया पे, ओए होए होए, बो तो आपे ही आनी है। इन हूँ मुद्दा करिए, पाइप नु पहले काढ़ लेने, फिर इन जरा ना मुद्दा कर देने, जोड़ खोल के है। तो काम गलत होया पे सारा, क्यों आत्मा तो काम सारा खराब होया। चल भाई कौआ छव्या वे थले, चल ओ चला गया कौआ बेचारा। उत्तों सारी टंकी नंगी है, रात नूं हवा आवे जो आवे बेचारे कोई ना कोई जानवर मार के बेच डेग पाउंदा, ते उंज भी किन्नी गंदी होई पई है, बहुत ज्यादा। इहनूं हुण साफ करना पवेगा, ड्रम नूं धोता कि चंगी तरह साफ करके, ते हुण पानी नवां जिहड़ा ना भरिया जा रहा है। और पहले ते असीं आसमां किवें नहांदे रहे हां, के वाले पानी ते आसमान दी कौए वाले पानी ते नहांदे रहे हां, पता ही कोई नहीं सी, फिर इंजे ही हुंदा। और कौआ बेचारा हुण ते थले बेच गया पिया, वह इत्थे आ बैठा होना है ना, पानी पीवन कि मूह किया तो बेच गिर गया है ना। हुण इहनूं तू बंद कर दईए, कोई चीज मंगा गत्ता गुत्ता इहदे नाल करनी। चलो इहदे नाल बंद दिंदे उत्तों, अम्मी बेच तो कौआ मरिया पिया। हुण मज्जियां नूं सारिआं डंगरां नूं नला पिला छड़ीए, गर्मी बड़ी हैगी, सारिया उन्ना निक्किया ले लिया लुलिया ने है आसिया, सारिया फाड़ के नवा दईए। उन्ना ने तो नला जाइए के पट्ठे ले आने, फिर पैप लगा हुआ कि दे लाया हो लैके आ भी चुके है। इन्हू नला पहले मी आ गया है। निकलो दुए नु लैके आ, ओनु लैके आ, हो गया है। इन्दी बारी आ गई, नलाओ नलाओ इन खलवा के नला, मंजी तेन चढ़ना इथे आ, इथे आ, इन ठंड लगती है। करदा की है आसिया, उठे चढ़ के निकला सारा मुंह ते सट्टी, फिर करेगा। अज जेड़ा ना दिहाड़ी भी कोई नहीं लगी, सारा दिन तकरीबन कर ही रहे हैं, ते व्लॉग भी साडा समझो के तकरीबन जोहर तो बाद जिहड़ा ना वो असी शुरू किया। सुबह सवेरे दा रूटीन तुहाडे नाल कोई नहीं असी शेयर कर पाया, क्योंकि सुबह सिर्फ खाना वगैरह खाया सी, नहा धो के, ते फिर उस तो बाद पता ही कोई नहीं कित्थे पए कित्थे नहीं। मोटरसाइकिल भी पेंचर हो गई सी, उन्हूं पेंचर वगैरह दो बारी तकरीबन उन्हूं पेंचर लाए, उन्दे विच इन्ने ज़्यादा कंडे वगैरह कुछ चुभ गए सन, वो काफ़ी एक दो एक दफ़ा कड़े ने, फिर उन्दे विच कोई चुभ जे आ गया, फिर दोबारा पेंचर हो गया। हूँ जरा ना ओ खिलवाइए उत्थे, उन्हों भी नलाया दुलाया चंगी तरह उत्थे, अजे फिलहाल खाली हुई है। और हूँ जरा तैयारी करके फिलहाल जरा जा रहे हैं अम्मी और पेकियां ते मेरे नानकियां ते, उत्थे भी थोड़ा छोटा जि समझो काम हैगा, किसी ने मतलब कि मेरे को काफ़ी दिन पहले कोई थोड़े जे पैसे उधारे लाए सी, ते हट के ना उन्हें मैनू मतलब आख्या भी तू लै जा या आया, ना मैं उन्होंने पूछे, अज समझो कि खर्चे तो टूटा बैठा, तो जाके मैं पता करके आने जी अगर मिल जाए। बाकी ईद भी सिर पर आ रही है, तो कोई बच्चों के कपड़े वगैरह कोई खर्चा वगैरह बिल्कुल है ही कोई नहीं, बहरहाल अल्लाह पाक सब का कारसाज़ है, इंशाल्लाह कोई कम काम वगैरह अच्छा मिले
फिर जरा सारे काम इंशाल्लाह सीधे हो जाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो ईद भी गुजारांगे जरूर, और जिस तरह की अल्लाह मंजूर है उस तरीके। मैं तो सोचा कि अम्मी होर को जाने, अम्मी होर जरा मतलब साथ सूथ देवे, मैं भी आसिया भी, लेकिन आसिया जी ना मैं अगर सोया होया होव या अगर पिछा होव तो वह गुत्ती मार जाती है। ऐ चेक करो, ए सारे कपड़े अम्मी कह रही मैं धोते ने, और आसिया दे अपने सिर्फ तोए खड़े आ। इन तकरीबन अम्मी के भी एक दो सूट ने, उन तेरे कड़े आ। अच्छा, अम्मी कह रही उन दो जोड़े जड़े ना वो अम्मी ने उत्थे टंगे ने धो के, ते बाकी जड़े ने वो आसिया दे ने। ए सारे कपड़े दोपहर टाइम अम्मी ने धोए ने कल्ली ने। आसिया हुण धो रही है सब्जियां, ते आसिया धो के अम्मी कपड़े दे कर चखिया उन्हें धो देनी है। डांग रह जांदे ते तुसी मशीन काढ़ ली करो, नहीं बेहतर नहीं नाल कोई मुलाजम रख लेने जेड़ा काढ़ के देवे ते रख के देवे। काम वेखो इन्हां दे औखियाई जल लैनी मंजूर है, मशीन अंदरू कढ़नी जड़ी नू औखी लगदी है। कौए बेचारे जड़े ना कदे किधरे चुंज मारदे कदी किधरे, और इन्हां वास्ते मैं थोड़ा जिहा जड़ा इंतजाम कीता सी दाणे पानी दा। ऐ चेक करो, ऐ अगे दाने और ऐ ठंडा पानी रखे सी, लेकिन दाने ही उंजे पे, पानी भी उन्ना कोई नहीं पिया। मेरे हिसाब किताब दाने शायद खाते ही नहीं है, बाजरा वगैरह होवे ना वो खा पी लेंदे। हुण इन्ना वास्ते इंशाल्लाह बाजरा जिहड़ा लिया के रखांगे, नाले तो सदका जारिया हुंदा, नाले जानवर रजदे रहणगे। अम्मी हुण तुसां जाना कि आसिया ने जाना है? आसिया आंदी भी मैं घाह पट्टण जाना। थोम भी छिल के बिच पांदी है लसन, पहले असी लसन नहीं सी इस्तेमाल करते, ये बड़ा सेहत लई मुफीद हुंदा। और इहदे शिमला मर्च कटी जा रही है, आलू ते शिमला मर्च आज चलेगी। कव्या ने तो खादे को दाने, आसिया चक के लाया ये सिर ते रख के इन्ने पा रहे सीगे। बकरियां ने पाऊंगी, बकरियां ते खान गिया ना जोर नाल है। अड्डो पटवाई ला यहां बार है ला दाने कहीं ना काम। अल्लाह नूं याद करके जान ते लगा, क्योंकि देने आसान होंदे ने फिर लैने बहुत मुश्किल होंदे, पर अल्लाह करम करेगा जे अगर उंदे कोल होए तो बंदा तो अच्छा है वापस कर देवेगा। मेरा तो वैसे फस्ट एक्सपीरियंस सी, लेकिन सुनी सुनाई है चा आया सी कि तकरीबन अगर किसी कोलो चीज़ लैंदा ना तो वापस वो कर देंदा हुंदा। चलने आ पता कर, जिहड़े बंदे कोल जा रहे ना पैसे वगैरह लैन, एक तो फोन मतलब उनके को फोन है ही कोई नहीं, दूसरा उनके आंढ़ गुआंढ भी कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उनके ना गल वगैरह करा सके, समझो कोलों ही चढ़नी पौंदी है। तकरीबन अगे भी एक दफा मैं गया उदन तो मत्थे नहीं लगया, अज भी जा रहे हैं तो अल्लाह खैर करे अगर फिर गया तो फिर तो चलो कुछ ना कुछ तो देगा। तकरीबन 5,000 उनके को लेना है, चलो उनके कुछ ना कुछ तो देगा इन्हें। बाकी पेट्रोल वगैरह भी कोई नहीं है बाइक में, अल्लाह करे खैर वापसी ना। बस अल्लाह की आस से जा रहे हैं, और पेट्रोल जरा समझो जान का है आन की औखियाई है, औखा ही गल है जो पहुँच पाइए वापस। हर कोई आपको अपनी सच्ची मजदूरी वाला है, पाकिस्तान के अंदर गुरबत ही गुरबत है, तो मैनू भी खाली हूँ लौटना पाया क्योंकि गर्मी पे इंतहा है। असल जो मिस्त्री हैगा राजगिरी का मतलब है कोठे वगैरह बनाता है, उन्होंने गर्मी की वजह तो मतलब एक काम मिलया तो है लेकिन वो कर नहीं सकता, ता करके फिलहाल उसने आखिया भी हाले कोई गुंजाइश नहीं है। तकरीबन महीने डेढ़ महीने तक कहता है आपे ही खुद आके कर ले जाएगा, पर चलो कोई मसला नहीं, अगर ना भी होता तो फिर भी तो टाइम पास करना ही चाहिए। मैं सोच रहा सी कि घर जाना जरा ना मुश्किल होया खलोता क्योंकि पेट्रोल जरा ना बाइक कोई नहीं सी अगर, लेकिन एक तरतीब मेरे जेहन चाहिए जो कल ट्यूबवैल मैं चलाया थी ना वो हो गया थी खराब, कल जिस टाइम मेरा पानी खत्म हो गया सी, और
उनका दूसरा पार्टनर जरा उन्हें फोन किया किले वेले कि वो ठीक कर दे ते अपना खर्चा पानी लै ले। हूँ मेरा दिल है वो जाकर ठीक करने उनके को खर्चा पानी लेने से पेट्रोल शट्रोल का चलो खर्चा दे देगा तो घर पहुँच जावगा इजली इन शाला। सर का टाइम हो गया और सब तो पहले नमाज उस तो बाद बाकी के काम सारे और मस्जिद आया माशाला ये साढ़े विलेज की मस्जिद है इतने नमाज पढ़ने फिर उस तो बाद जाके मजीद काम करने। और काम वगैरह जितना भी होवे ना कोशिश यही करी दी है कि नमाज कोई भी कज़ा ना होवे क्योंकि अगर नमाज कज़ा हो जाए ना और बहुत ही अफसोस लगता है और टेंशन लगी रहती है क्योंकि दो जहाना दे मालिक का लख लख शुक्र अदा करना चाहिए जो रब की जात पाक सानू रिज़्क दे रहे है और उनका शुक्र भी बजा लाना चाहिए और उनकी इबादत भी करनी चाहिए कोशिश करनी चाहिए है कि अल्लाह पाक राजी रहे। वैसे साढ़े अमाल तो नहीं है इस काबिल कि सानू माफ़ी मिली जाए बख्शिश हो जाए लेकिन उस सोने रब की जात पाक की इतनी वड्डी रहमत है ना कि साढ़े गुनाह उत्थे कख भी नहीं है गए पर अल्लाह पाक सबनों सेहत तंदुरुस्ती देवे और बख्शिश से मगफिरत फरमावे। जितने लोग बेदायर ने अल्लाह पाक उन्हें नेक और सीधे रस्ते से लगावे आमीन। ते हुण चलते हैं टीकर जाके देखने हैं अगर मैं तो वैसे हर काम अलहमदुल्ला कर लेना कोई ऐसी गल नहीं हैगी अगर वो टक्कर गया भाई तो टीकर वगैरह ठीक करके उन्हें को खर्चा पानी लैके फिर इंशाल्लाह घर पहुँच जावे। और इस टाइम मैं उन्ना ही बागों के कोल फिरना पे जिन्ना कि असी तकरीबन सारी उम्र लंघाई है और इत्थे काम वगैरह भी करते रहे हैं। पीटर तकरीबन खराब होया सी और इन दे उत्ते छापर वगैरह घर लपेटे लेकिन ये काम नहीं दिते और हुण नवी भी लैंदी इन्होंने टी है देखो लेकिन मैं इनू कोशिश करांगा पुरानी नू चलावां वाशला वगैरह दे के इंशाल्लाह ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਫੀਡਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਔਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਸੂਰਜ ਵੀ ਗਰੂਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਬਸ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਪੀਨੇ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੈਗਾ ने हिम्मत से मरदा मदद है खुदा थोड़ी जी हिम्मत की है अलहमदुल्ला घर जाने का वसीला जरा बन गया और भाई और गए मेरे वास्ते पानी वगैरह लैन नाले तो 10 मिनट तकरीबन पहनने पीटर शीटर की जी सूरत हाल वेखने उन्हें उनका भी पता चल जाएगा कोई मसला मसायल करे तो फिर चलो बंदा इनू बेहतर करी जाता है। बहरहाल उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक चलेगा और हजे तक तकरीबन ठीक चल रहा तो फिर जरा इंशाल्लाह निकल जाए कोई नहीं बार अगे भी रात में तकरीबन चले जाइए अभी तो हूँ भी एड्डा इशू नहीं है जान का तो बाकी अज का ब्लॉग इतने एंड करने इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह निगेबान अल्लाह सोने दे वाले अपना बहुत सारा ख्याल रखना।